हाँ, कब तक पर उसका लगाओगे पता? माफिया के खास बॉडीगार्ड का मुझे उसका पता लगा दो, या उसका माफिया का, दोनों का एड्रेस मुझे चाहिए। तुझे मैं कह दिया, मुझे चाहिए जहाँ मर्जी से तू ला के दे। मुझे नहीं पता, मैं मुफ्त के तुम लोगों पैसे नहीं देता, समझ आई? अब मैंने दोबारा इस आ चुका हूँ इस फील्ड में, समझ आई? अब मुझसे माफिया नहीं पा सकता। तू मुझे उसका पता ढूंढ के दे या उसके बॉडीगार्ड का, मैं तुझे जिंदा कर दूंगा अगर तुम ये काम ना कर पाए। मैं ढूंढ दूंगा माफिया के, वो माफिया को ढूंढ दूंगा, माफिया के खास फंडे को आपको ढूंढ दूंगा। हाँ शाबाश, ढूंढ के देना है। अब पता उनका पता ना मिला तो मैं ते कहा दूंगा इधर ज़मीन के नीचे, समझ आई? मुझे उन दोनों का पता चाहिए, बस ये दफ़ा वो असला तैयार रखना जो मैंने मंगाया है ना उधर से, असला जब आ गया तो मुझे बता देना, ठीक है? आपको ना करो, मैं बता दूंगा आपको। हाँ आखिरकार अब मैंने अपने साथी को कैन को मुफ्त की रोटी नहीं देता, मैं कैन इस माफिया का पता ढूंढ के दो। आखिरकार बारिश भी शुरू हो गई है, आखिरकार मैं ये कह रहा हूँ माफिया का पता चल जाएगा, दोनों को नहीं छोड़कर माफिया का खास बंदा मुझे पता चला है ना, एक उसका खास बॉडीगार्ड है उसका पता चल जाए तो माफिया गया समझो, उसके बगैर तो माफिया कुछ नहीं समझो। बस बारिश मुसीबत खा रहा है यार, एक सदियों में बारिश होने लग जाती है। खैर मैं जैकेट जुकेट पहन के आया था, रास्ते में तो नहीं हो रही थी, आते आते इधर मैं उससे बात कर रहा था, बारिश शुरू हो गई। अब मैं क्या कह सकता हूँ यार, एक अब आखिरकार ना अब मैं छोड़ूंगा नहीं उस माफिया को, एक दफ़ा पता चल जाए इस माफिया का, मैं छोड़ूंगा नहीं उसका। आखिरकार अब बस उसके खास बंदे का पता चल गया, वो तो गया माफिया, माफिया उसके बगैर कुछ नहीं, क्योंकि वही माफिया को खबरें ला के देता है, उसका खास बंदा मतलब उसके गैंग का खास मेंबर है वो, वही फौज उसके कंट्रोल करता है। फिर वो तो गया माफिया, उसके बगैर तो माफिया कुछ नहीं। माफिया तू एक दफ़ा हाजा मेरे हाथ में, पहले मैं सोच रहा हूँ कि ना बड़ी मछली को पकड़ेंगे छोटी मछली को। अब बस माफिया तू तो गया। हाय 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 यार, मैं अब गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ, ये देखो बारिश सर्दियों में भी गर्मियों में, वैसे गर्मी आ जानी है जो, फिर गाड़ी तो चाहिए ना, मैं बाइक तो वैसे अपने शश के लिए ली थी, 125 होनी चाहिए ना वैसे बंदे के पास वैसे ना। हाँ यार एक दफ़ा यार गाड़ी का मुझे कमेंट में बताऊँ मैं कौन सी लूँ, मैं छोकर से जा रहा हूँ ये हमें उधर से नहीं जाना ना, उधर से लंबा रास्ता थोड़ा सा पड़ जाता है, जैसे मैं छोकर था ना मेरा घर इधर से सामने आ जाता मेरा। अरे यार ये दफ़ा बस गाड़ी मुझे कमेंट बताना मैं कौन सी लूँ, लेनी चाह रहा हूँ ना गाड़ी मैं इस टाइम तो, बस मैं बारीक से गुजारा ही है मेरा। वो यार वो तेज़ चला रहा हूँ मैं फुल, और ऐसी भी तैसी ओ शिट यार फुल तेज़, खैर है बचत होगी, कुछ टूटा तो नहीं ना मेरे ख्याल से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट मुझे कुछ तो लग रहा। ओ यार हद लाइट टूट गई, शिट यार। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने पहना क्यों है यार, फोग भी बहुत हो गई आजकल, और सर्दी भी है ना, इस वैसे ना मुझे ढक के रहना चाहिए ना। चलो यार हाँ चलो 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 हाँ, तो रात में कहाँ कर देता हूँ मैं कॉल की, और मेरे ख्याल से चचा की तो इधर ही बाइक होनी है, कहाँ पे की होनी, बाकी इधर क्राच में की होनी है, कहाँ पे कर सकते हैं ये लोग, चाबी भी रहेंगे पास ही है, वैसे भी ऑटोमेटिक खुल ही जाता है, मैं मेरी बाइक से ना नीचे मैं लगाया हुआ है इसमें से नहीं। चलो चलो हाँ इधर सही है, हाँ इधर सही है, ये देखो चचा की बुलेट, और ये 70 जो जायके उसका मॉडल ये रहा अकबर का, साफ सुथरी है यार, कोई बात है। वैसे यार मैं घर बदलने का सोच रहा हूँ या इसको रेनोवेट कराने का सोच रहा हूँ, क्योंकि ना बहुत हो गया, एक दफ़ा माफिया का खेल ख़त्म हो गया, फिर मैं माफिया को रेनोवेट कराऊँगा ना, बताऊँगा भी उसको मैं कौन हूँ ड्राइवर ना, अभी वो जानता नहीं ड्राइवर कौन है, मैं तो अभी शीर बन गया था, किसी मुझे बीमार शीर बनना पड़ना, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अब देखते हैं। हाँ भाई सीकर दे भी दे, जल्दी दे मुझे यार, चलो क्या कर दे, मैं आपको सिगरेट क्यों दूंगा। हाँ मुझे तू देता है या मैं मारूं, यार क्या लड़ रहे हो तुम दो, अच्छा क्या और एक बार तुम दोनों क्या लड़ी जा रहे हो हैं, मैं लड़ रहे हो यार, मुझे चाहिए सिगरेट, मैं कह रहा मुझे सिगरेट देते, चाचा अपनी पियो ना हैं, अपनी पियो यार मेरे पास नहीं है, तू दे दे फिर। नहीं 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 यार चाचा यार इकबाल दे दे, आप मेरे पास आखिरी सिगरेट ही मैं पी रहा हूँ यार, मेरे पास भी नहीं है, वरना मैं कहना चाचा यार क्या हो गया, ले लो जाओ जाओ दुकान से ले लो पैसे दो।
उसे लो दुकान से। यार मेरे पास पैसा नहीं है, तू उधर आगे मेरे बाइक में पेट्रोल नहीं है और मैं कहीं जा भी नहीं सकता, इस वजह से उसको उधर खिलाया हुआ है और मैंने वैसे भी खाना पीने का इंतजाम करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, तू उधर पैसा आगे डर ना। यार चाचा कोई काम धंधा करो, फालिक ना बैठे रहा करो। हाँ तू मुझे दे दे पैसा। यार चाचा दे देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ आपका खाने पीने का, दे देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप ऐसे कोई कारोबार कर लो, हैं कुछ तो करो आप। हाँ मैं तू कारोबार, हाँ मैं कारोबार का खोज रहा हूँ, कारोबार मैं पैसे फिर कौन देगा, तू दे। हाँ शाबाश दे दे, अब तू कारोबार करके ही जाना, मैं कारोबार शुरू करना है, अब दे पैसे तू दे। यार चाचा ठीक है दे दूँगा, कितना चाहिए? यार मुझे तो लगभग 20-30 लाख चाहिए। वही चाचा कहाँ पे रह रहे हो, 20-30 लाख? यार चाचा ठीक है मैं इंतज़ाम करता हूँ, देखता हूँ मिल जाए कहीं ना कहीं से, आगे आनी है ना 2-3 दिन तक, मैं देखता हूँ आपको दे दूँगा ना, देखता हूँ। अच्छा तुमने ना दिए ना तो तुम्हारा जो मैं हार करूँगा ना, फिर देख लेना मुझे चाहिए, मैंने बिजनेस शुरू करना है, तुम लोगों को मेंटेन नहीं करनी मैंने, समझ आई? ठीक है चाचा मिल जाएगा आपको, पैसे मिल जाएंगे। हाँ जहाँ तक आपके खर्चे के लिए आप कह रहे हो ना, मुझे चाहिए आपकी बाइक का पेट्रोल का भी, मैं आपको थोड़ी देर तक अभी परस से देता हूँ, वो परस सामने पहले ले लेना उधर से, ठीक है ना? यार मैंने उधर तो खाली परस है, उधर तो खाली परस। चाचा क्या मतलब, मैंने उधर रखे थे इतने सारे पैसे, यार वो तो मैंने पहले के ले लिया। चाचा यार तुम मुझे कंगाल करके छोड़ेगा चाचा, खैर फिर भी मैं इंतजाम करता हूँ, आज आनी है मेरी, क्योंकि आज है ना 2 महीना शुरू हो चुका है नया ना, इस वजह से आज आनी है मेरे दुकान से, आने मैं ना देता हूँ आपको, फिक्र ना करो। यार चाचा क्या कर ही जाते हो। हाँ शाबाश शाबाश, मेरे पैसे चाहिए, मैं पेट्रोल लेना वरना तुम्हारे मैं सामान भेज देना सारा, समझ आई? यार चाचा देखता हूँ मैं, फिक्र ना करो, देखता हूँ, मैं फिक्र नहीं कर रहा, मुझे पैसे चाहिए, मैं कह रहा हूँ वरना मैं फिर चुप सब कुछ भेज देना मैंने। यार चाचा ठीक है देखता हूँ देखता हूँ। यार चाचा क्या, आप भी ना आपका इंतज़ाम करना ही पड़ेगा पैसों का। यार चाचा ऊपर से ठंड इतनी है, यार बारिश भी ऊपर से आ गई थी, मैं लेके भी आने में भूख भी गया, यार मैं लेके आना था, आते आते ले आता, खैर अब ले आते हैं पैसे आके। यार चाचा ने 20-30 लाख नाम से ऐसे मांग लिए, यार अब इंतजाम भी करना पड़ना आराम से। यार हेलमेट पहन लूँ, हाँ तो वही है स्मार्ट स्मार्ट, वही अखबार की बाइक बच्चे तो भी क्या था, बच्चे तो भी मैंने अखबार ने मुझसे पैसे मांगे। हाँ हेडलाइट भी सही करानी है, देखो ना हेडलाइट भी ख़राब है। हाँ दुकान से होते सीधा, मेरे पास भी पैसे इस टाइम नहीं है ना, वॉलेट में थे मेरे पास, यार वो भी चाचा ने दे दिए, अब मैं इधर से लेता हूँ, ठीक है ना, इधर से यही दुकान है ना, इधर से लेके फिर सीधा हेडलाइट से कहाँ जाता हूँ, चाचा को देता हूँ 2-10-20 लाख, नहीं 10-20 लाख देता हूँ खर्चे के। यार क्या करूँ अब मैं, तो दुकान से तो मुझे 5-6 हज़ार मिल ही जाते हैं, एक और दुकान है ना उधर से भी मिल ही जाते हैं मुझे इतने, तो यार अब मैं वापस आ चुका हूँ ना, अब तो मैं दूसरे काम फिर से शुरू करने पड़ेंगे, लाखों फिर से कमा रहा हूँ, जो करोड़ों कमाता था पहले, मैं छोड़ दिया था काम ना, अब शरीफ नहीं बनना, माफिया से बना लेना ही पड़ना मुझे। हाँ भाई खर्चा दिखा सारा का सारा, जो भी हिसाब सूब है सब कुछ दिखा। अरे भाई मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं खर्च सारा का सारा हिसाब दिखाता हूँ, कितने सफर कमाई हुई है। हाँ शाबाश शाबाश, कोई बीच में दंग नहीं मारना है तूने। भाई आपको मैं सारा हिसाब दिखाता हूँ, मैं लेके आता हूँ अभी अंडरस्टैंड।